हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आई होप फॉरेन करेंसी क्या है थोड़ा नॉलेज आ गया है। क्या करते हैं फॉरेन करेंसी में, या तो सामान बेचोगे या तो सामान खरीदोगे। अब जो भी बेचने वाले या खरीदने वाले वो क्रेडिट में होगा, मतलब उसका पेमेंट आपको एक महीने, दो महीने, एक साल, दो साल के बाद ही मिलने वाला है। अब तक जो भी सम किया था वो एक साल के अंदर का पेमेंट था, विद इन अ ईयर। अब आज थोड़ा अपग्रेड करेंगे, एक साल से ज्यादा टाइम ले रहा है तो सम कैसे सॉल्व किया जाएगा। डिफिकल्ट सम यही है। अब तक जो आपने किया वो इजी लग रहा था आपको, तो आज जो अपन सम करें वो डिफिकल्ट है, मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा लेवल ऑफ डिफिकल्टी सम में नहीं आएगा। देखते क्वेश्चन क्या दिया गया है। 1 जनवरी 2013 को मरीना लिमिटेड एंड इंडियन इंपोर्टर परचेज $2,50,000 वर्थ गुड्स फ्रॉम जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी ऑफ USA। मरीना लिमिटेड एक इंडियन इंपोर्टर है, इंपोर्ट करने वाला मतलब परचेज करने वाला, उसने गुड्स को इंपोर्ट किया। कितना गुड्स इंपोर्ट किया है? $2,50,000 का गुड्स इंपोर्ट किया है। किसके पास से? जेमिनी के पास से। मतलब हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब जब मैंने इंपोर्ट किया तो मुझे पैसा देने का है, तो मैंने पैसा कैसे पे किया? जैन में खरीदा, पहला पेमेंट फेब में किया, फिर मार्च में किया, फिर अप्रैल में। साल तो मार्च में खत्म हो जाता है, मतलब इसने नेक्स्ट ईयर में पेमेंट किया है। क्वेश्चन में फर्क समझ में आ गया। अब तक क्या है, मार्च से अप्रैल जब साल चालू होता है तो अप्रैल में चालू होगा, मार्च में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसने उस साल में पेमेंट नहीं किया, नेक्स्ट अप्रैल में पेमेंट किया, मतलब साल बदल गया। क्लियर है क्या? चलिए आगे क्या दिया है। मरीना लिमिटेड क्लोजेज द बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। जब साल खत्म होगा मार्च में तो चालू कभी होगा? अप्रैल में। तो मार्च टू अप्रैल पहले कैलेंडर बना दिया मैंने, ठीक है। ये कौन से ईयर का कैलेंडर है? 2013 जैन 2013, तो ये चालू होगा 12 में और खत्म होगा 13 में। पहले कैलेंडर क्लियर हुआ। अब हम करेंगे एक एक करके प्लॉटिंग, देखते दिया क्या गया है। 1 जैन को मरीना ने परचेज किया है, कितना परचेज किया है? $2,50,000। तो 1 जैन परचेज कितना? $2,50,000। और जिस दिन परचेज किया, तेरे को नहीं है बेटा ये, बट बेट $2,50,000 कितना है? 49 बेट 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 49 बराबर है। अरे हाँ, आगे बढ़ते। उसके बाद क्या है, 10 फेब को उसने पेमेंट किया, फेब्रुवरी 10 को पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया? $1,00,000। और डॉलर का रेट कितना चल रहा है? 49.5। सेकेंड पेमेंट किया 15 मार्च को, 15 मार्च को $75,000 का पेमेंट किया, डॉलर का रेट कितना है? 47.6 बराबर 60, मतलब 6 होता है बेटा। अब लास्ट पेमेंट कब किया उसने? 20 अप्रैल। बस साल तो खत्म हो गया, तो जब भी साल खत्म होगा, जब भी साल खत्म होगा तो साल के एंड का डॉलर का रेट दिया रहेगा। जब भी आप 1 से ज्यादा ईयर में डील कर रहे हो तो आपको जो साल में आप डील कर रहे थे उस साल के एंड का रेट दिया रहेगा। जरा चेक करो, 31 मार्च 2013 का रेट दिया है, कितना दिया है? 45। ये समझ में आ गया? मैंने इधर मार्क करके छोड़ दिया। नेक्स्ट ईयर में गए, फिर से अप्रैल से लेके मार्च, अप्रैल 2013 तो चालू होएगा, चालू होएगा 13 में तो खत्म होएगा 14 में, बराबर है। अरे हाँ, अब इस साल में उसने कभी पेमेंट किया? 20 अप्रैल को। कितना पेमेंट किया है? $75। और डॉलर का रेट कितना है? 46. वर्किंग क्लियर? इसके पहले वर्किंग एक साल के अंदर हो जाता था, इधर 2 साल का वर्किंग बनाया। एनी डाउट? 100% क्लियर? जर्नल एंट्रीज पे आ जाते हैं। डेट वाइज जाएंगे, सबसे पहला जैन में परचेज होगा, फिर पेमेंट एक्सचेंज डिफरेंस, पेमेंट एक्सचेंज डिफरेंस, साल खत्म हो गया, फिर पेमेंट एक्सचेंज डिफरेंस। मतलब एंट्रीज में क्या क्या आएगा? एक परचेज की एंट्री, परचेज सॉरी पेमेंट एंड एक्सचेंज, तीन हो गया, पेमेंट एक्सचेंज डिफरेंट 5 हो गया, ईयर एंड पे हम लोग क्लोजिंग करते 6 हो गया, याद है एक्सचेंज डिफरेंट में ट्रांसफर करते, तो 6 एंट्री हो गया, 7 और 1 8 एंट्री।
क्लियर हुआ पक्का? चलिए फिर स्टार्ट करते। सबसे पहला परचेज किया है तो सामान आएगा, पैसा नहीं नाम जाएगा, किसके पास से खरीदा है? तो परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जर्मनी। कितना परचेज किया है? $2.5 लाख इंटू 49 करो कितना आ रहा है? $2.5 लाख इंटू 49। सबके पास कैलकुलेटर चाहिए? लिखने की जरूरत नहीं है, जो लोग लिख रहे हैं वो आज 50 बार लिखेंगे फिर जाएंगे। वेरी गुड, कितना आ रहा है? 12,25,000 आया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हो, उसके बाद देखते क्या है। परचेज के बाद हमने क्या किया है? पेमेंट। अब पेमेंट करोगे ना, परचेज किया तो पेमेंट करेंगे, तो पैसा जाएगा किसके पास? जाएगा जर्मनी के पास। कितना पेमेंट गया? $1 लाख का 49.5 के हिसाब से 49,50,000। अब फायदा हुआ कि नुकसान? जब मैंने खरीदा था डॉलर का रेट 49 था, 1,22,50,000, एक जीरो कम है क्या? हाँ, तो इसके लिए बोला था ना, पूछो। देखो भाई मैनुअल, यहाँ पे 1,22,50,000 आ रहा है इधर इधर। इसके लिए आपको बोला कैलकुलेट करो, $2.5 लाख इंटू 49 करोगे, 1,22,50,000 आता है, इधर एक जीरो कम है, ठीक है? कैलकुलेशन देखना, एंट्रीज में बता रहा हूँ, डन? चलिए ठीक है। फिर हमने पेमेंट किया, खरीदा था 49 में, पेमेंट कर रहे 49.50 पैसे, ज्यादा दे रहे तो नुकसान है, और जो भी लॉस है एक्सचेंज डिफरेंट नहीं, फॉरेन फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट, यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंट लिखा है, बट आप क्या लिखोगे? FEF, तो एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट डेबिट टू जर्मनी। कितना? 0.5 × 1 लाख कितना आ रहा है? 50,000। अरे बात समझा? हाँ, कितना डॉलर का नुकसान हुआ? 0.5। डॉलर कितना है? 1 लाख, तो 0.5 × 1 लाख करो कितना आएगा? 50,000 आएगा ना। फिर वापस पेमेंट करेंगे तो वापस से पेमेंट की एंट्री, पैसा जाएगा किसके पास? जर्मनी के पास। कितना पैसा जाएगा? 75 × 47.6 करो कितना आ रहा है? 35,70,000 किसको दिया? जर्मनी। फायदा कि नुकसान? खरीदा था 49 में, दिया 47.6, मतलब प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो रहा है? $1.4, 1.40 रुपया का फायदा हो रहा है। कितने डॉलर पे? 1.40 रुपया कैसे? 49 में से 47.6 माइनस करो, 1.4 आएगा, 1.4 आएगा इंटू 75, 1,05,000 का प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट है एक्सचेंज डिफरेंट में क्या आ जाएगा? क्रेडिट। डेबिट में क्या आएगा? जर्मनी। कितना? 1,05,000, 1,05,000। और कुछ है क्या? क्लियर? अब जो बोल रहा हूँ जरा ध्यान देना, क्योंकि ये 1 ईयर से ज्यादा है, तो 1 ईयर से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? पहले तो ईयर एंड पे बैलेंस कितना है वो चेक करेंगे, और उस बैलेंस पे फायदा हो रहा है या नुकसान वो कैलकुलेट करेंगे, और फिर जैसा अपन एक्सचेंज डिफरेंट का अकाउंट क्लोज करते थे वो करेंगे। इन शॉर्ट, व्हेन मोर देन अ ईयर, एक साल से ज्यादा का टाइम है, तो ईयर एंड पे दो एंट्री पास करेंगे, एक बैलेंस और दूसरा एक्सचेंज डिफरेंट। बैलेंस एक्सचेंज डिफरेंट, बैलेंस एक्सचेंज डिफरेंट। बैलेंस कितना है जरा देखते, कितना डॉलर मैंने खरीदा था? 2.5 लाख। पेमेंट कितना किया? तो 2.5 लाख में से 1,75,000 का पेमेंट हो गया, बचा सिर्फ 75,000। अरे हाँ, 75,000 बचा जो हमने लास्ट किया ना पेमेंट, मतलब इधर 75,000 पेंडिंग है। तो अब इधर हम देखेंगे कि हमको फायदा होगा या नुकसान। अगर मैं 31 मार्च को वो 75,000 का पेमेंट कर देता, किया तो नहीं, अगर करता तो डॉलर का रेट कितना है? मैंने कितने में खरीदा था तो मुझे फायदा होता कि नुकसान? कितना फायदा होता? $4 का फायदा होता। और कितने डॉलर पे? 75। तो 75 × 4 करो कितना आ रहा है? 3 लाख का फायदा होता। हाँ, जो भी फायदा होता एक्सचेंज डिफरेंट में क्या होता? क्रेडिट। किसके वजह से? जर्मनी की वजह से। कितना? 3 लाख, 3 लाख। एंट्री समझाइए, हर बार करना पड़ेगा अगर 1 ईयर से ज्यादा है तो। 1 ईयर से ज्यादा है, 1 ईयर से ज्यादा है तो हम क्या निकालेंगे? ईयर एंड का रेट, उसको कंपेयर करेंगे जिससे खरीदा था या जिससे बेचा था, परचेज हो सेल्स हो, एंट्री वही होने वाला है। बैलेंस कितना है उस पर फायदा या नुकसान की एंट्री पास करते। क्लियर? अब खत्म, अब एक रफ अकाउंट बनाएंगे।
एक्सचेंज डिफरेंट जितना उसका पोस्टिंग करते, एक्सचेंज डिफरेंट डेबिट में कितना है 50,000, और डेबिट में 50,000, एक्सचेंज डिफरेंट क्रेडिट में 1,05,000, एक्सचेंज डिफरेंट क्रेडिट में है 3,00,000, बराबर है, टोटल करो 4,05,000, 4,05,000, 50 जाएगा 3,55,000, डेबिट में आया कौन सा अकाउंट है, एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट, तो डेबिट में आया तो एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट डेबिट 3,55,000, 2 प्रॉफिट एंड लॉस, साल खत्म, एंट्री समझा? हाँ, अब नए साल में जाएंगे, नए साल में आ गए तो पहला क्या हुआ, पेमेंट, पेमेंट करना ही पड़ेगा, रिसीव तो होगा नहीं, पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा किसके पास, जेमिनी के पास, कितना जाएगा 75 × 46.75, कितना आ रहा है देखो 6,250, 35,06,250, बराबर है। अब कैलकुलेट करेंगे फायदा हुआ या नुकसान, बोलो फायदा हुआ कि नुकसान, फायदा, देखो फायदा हुआ, फायदा हुआ, कैसे सर, खरीदा था 49 में, दिया 46 में, तो फायदा हो गया ना सर, गलत। अब जब साल बदल जाएगा तो आपका खरीदने का भाव हो या बेचने का भाव हो, वो भी बदल जाएगा। अब खरीदने बेचने का भाव क्या बनेगा, जो लास्ट का ईयर एंड का रेट है वो, अगर एक ही साल में होता तो यही खरीदने का और यही बेचने का रेट होता, लेकिन एक साल से ज्यादा हो गया तो जो लास्ट रेट आपका है यही आपका परचेज रेट या तो सेल्स। तो मैंने इधर परचेज किया तो कितने में परचेज किया था, यहाँ पे 45, पेमेंट कितना किया, ज्यादा कर रहा हो मतलब नुकसान, कितना 1.75 का नुकसान, जो भी नुकसान है एक्सचेंज डिफरेंट में क्या हो जाएगा, डेबिट 2, किसके वजह से, जेमिनी, कितना, तो 75,000 × समझ में आ गया, बस यही ट्विस्ट है फॉरेन करेंसी का, अगर ये समझ गया मतलब दिस वाज अ डिफिकल्ट सम, अगर ये समझता है तो आपका फॉरेन करेंसी हो जाएगा, क्लियर। वन ईयर, ईयर एंड का बैलेंस और बैलेंस के ऊपर एक्सचेंज डिफरेंट, एंड देन नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो रेट बदल जाता है, ये ध्यान में रखना, क्लियर। बस इतना ही है सम, खत्म हो गया सम, क्लियर। आज इतना ही करते हो, फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।